नमस्कार, सप्ताह की सुर्खियों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सलोनी। आज हम आपसे इस हफ्ते की उन बड़ी खबरों पर बात करेंगे जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही और जिन्होंने बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले अधिकारियों की नींद उड़ा रखी है। यूपी में डेंगू वायरल और टाइफाइड बुखार ने कैसे कहर बरपा रखा है, बच्चों से लेकर बड़े इससे प्रभावित हैं और मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपयों का बंदरबांट हो गया और कई गांव के गांव बाढ़ के पानी में समा गए। इसके साथ ही यह भी बताएंगे कि कैसे किसानों के साथ मीटिंग के नाम पर अधिकारी 92 लाख रुपए डकार गए और यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव में छोटे दल किसका खेल बनाएंगे और किसका बिगाड़ेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर हम सबने देखी। उस दौरान जो मंजर था वो शायद ही किसी के जहन से कभी निकल पाएगा। रोते बिलखते बच्चों और परिवारों के आंसू शायद ही कोई भूल पाएगा। न जाने कितने परिवार उजड़ गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, बेड ना मिलना, एम्बुलेंस की कमी हो जाना और फिर सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी ना होना, वो तस्वीरें कभी धुंधली नहीं पड़ेंगी, क्योंकि इन्हीं वजहों से लाखों लोग काल के गाल में समा गए। 2 साल में कोरोना ने जितना तांडव मचाया उसे हमने अपनी आंखों से देखा है। हम सभी ने बहुत से अपनों को खो दिया, किसी की मां, किसी के पिता, किसी का पति, किसी का बेटा और किसी का भाई बहन। वो दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस वक्त जब जनता और विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि पहली लहर के बाद सरकार की कोरोना को लेकर क्या तैयारी है, ऑक्सीजन की कमी आखिर कैसे हुई, वेंटिलेटर की कमी कैसे हुई, तो जवाब ये था कि साहब कोई भी सरकार इतनी बड़ी महामारी के लिए पहले से सारी तैयारी नहीं कर सकती। हम एकदम से अस्पताल नहीं खड़े कर सकते और एकदम से बेडों का इंतजाम भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, जनता ने भी सरकार की इस बात को माना और थोड़ी बहुत सहमति जताई, लेकिन अब कोरोना की रफ्तार थमते ही एक रहस्यमयी बुखार जो डेंगू वायरल और टाइफाइड के नाम से आफत बनकर आ गया है और एकदम से कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है और एक बार फिर मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है और 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में धीरे धीरे डेंगू अपने पैर पसार रहा है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर फिरोजाबाद में दिखा, क्योंकि फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा मरीज मिले और वहीं सबसे ज्यादा मौतें भी हुई। अकेले फिरोजाबाद में 50 से ज्यादा मौतों ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। सरकारी अस्पताल में बेड फुल हो गए और मरीजों को यह कहकर भगा दिया जा रहा है कि इलाज के लिए जगह नहीं है, दूसरे अस्पताल ले जाइए। अच्छा, हमारे यहां सरकारी डॉक्टर अलग ही तरह का काम करते हैं, वो सरकार से सैलरी भी लेते हैं और मरीजों को प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवा लाने के बहाने अपना कमीशन का जुगाड़ भी बनाए रखते हैं। और डॉक्टरों का ये खेल एक गरीब की जेब पर कितनी चोट मारता है ये आप सोच सकते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बच्चों की मौत के मुंह में जाने से सरकार कैसे बचाएगी, कोरोना की 2 लहरों के बाद सरकारी अस्पतालों में तैयारियां कैसी हैं। फिलहाल एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बाद यूपी में डेंगू अटैक, फिरोजाबाद में बीमारी का बंपर प्रकोप, बच्चों को तेजी से बना रहा शिकार, 50 से ज्यादा लोगों की मौत, बीमारी से कई परिवार तबाह, गंदगी और जलभराव से फैली बीमारी, निगम और प्रशासन की भीषण लापरवाही, मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज। कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ था कि डेंगू और वायरल बुखार ने यूपी में कहर बरपाना शुरू कर दिया। कोरोना काल में अपनों को खोने के बाद लोग एक बार फिर से दहशत में आने लगे हैं और उन्हें लग रहा है कि कोरोना एक बार फिर रूप बदल कर लौट आया है।
डेंगू और वायरल ने दस्तक देते ही सबसे पहले फिरोजाबाद में अटैक किया, जहां बच्चों समेत 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालात ये है कि फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को बेड न होने का हवाला देकर भर्ती नहीं किया जा रहा है। देखिए, फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में जो नजारा है उसको मैं भारत समाचार के माध्यम से बयान करने का प्रयास करूंगा कि ये मरीज अभी ऑटो से प्राइवेट ऑटो करके यहाँ तक आए थे, और ये अस्पताल जो बच्चों का है इनको नहीं मालूम था कि यहाँ बच्चे भर्ती होते हैं, बड़े उतरे अंदर तक गए, इनसे ये कह के मना कर दिया गया। क्या कह के मना किया आपसे? जी कह दिया भर्ती नहीं होते जो बच्चों का हॉस्पिटल है। अब कहाँ बोला है, कहाँ जाइए? ये कहिए 5 नंबर में ले जाओ पुराने हॉस्पिटल। इनसे बोला है 5 नंबर अस्पताल जो पुरानी हॉस्पिटल है उसमें जाइए, यहाँ से उसकी दूरी आधा किलोमीटर दूर है। कोई सरकारी वाहन एम्बुलेंस नहीं है, कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है। अब बेचारे, देखिए ये हालत मरीज की है कि रेफर के नाम पर जो औपचारिकताएं की जा रही हैं, रेफर के नाम पर इधर से उधर घुमाया जा रहा है। जो मरीज ऑटो करके लेके आया हो वो अब कैसे आधा किलोमीटर का सफर करेगा? ये सब चीजें मानवीय दृष्टिकोण से देखने वाली हैं, और इस ओर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, इनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मरीज को कैसे ले जाया जाए। न केवल फिरोजाबाद बल्कि यूपी के कई जिलों में डेंगू ने हलकान करना शुरू कर दिया है। कन्नौज, रायबरेली के साथ लखनऊ के अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। रोजाना करीब 500 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं, तो वहीं फैजुल्ला गंज, त्रिवेणी नगर सहित कई इलाकों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते डेंगू के मरीजों का इजाफा हो रहा है। डेंगू के बढ़ते मरीजों पर सीएमएस अस्पताल के निदेशक एसके नंदा का कहना है कि डेंगू उन इलाकों में साफ सफाई का अभाव है। उन्होंने कहा कि साफ पानी और शुद्ध खाने से इसका बचाव किया जा रहा है, तो वहीं डेंगू के रोकथाम के लिए सभी जरूरी उपाय भी किए जा रहे हैं। देखो भाई, ये सीजन है जो बारिश का और जुलाई अगस्त सितंबर का होता है, इसमें ये बीमारियां फीवर की ज्यादा होती हैं। फीवर के साथ में गैस्ट्रोएंटेराइटिस के भी केसेस होते हैं, डायरिया वोमिटिंग वाले। तो इसके लिए बहुत जरूरी ये है कि पानी को उबाल के रखें और उसको सुबह शाम बदलते भी रहें और उसको इस्तेमाल करें। बासी भोजन ना करें, बाहर का भोजन को अवॉइड करें। खाना खाने से पहले हाथ को धुलें, खाना खाने के बाद धुलें, साफ सफाई रखें, तो ये सब बीमारियां नहीं होंगी। डेंगू की दस्तक से लखनऊ के निजी अस्पतालों से लेकर सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लोहिया संस्थान और पीजीआई में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों की संख्या बढ़ने से मरीज को इलाज नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते मरीज परेशान हो रहे हैं। कोविड की दूसरी वेव अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि कोविड के साथ साथ अब टाइफाइड और डेंगू ने पूरे राजधानी लखनऊ में अपना जो कहर है वो ढाना शुरू कर दिया है। अगर ओपीडी की बात करें तो ओपीडी में कम से कम 20% केसेज ऐसे हैं जो केवल फीवर, वायरल फीवर और डेंगू के आ रहे हैं लगातार। प्राइवेट सरकारी अस्पताल, चाहे बलरामपुर हो, सिविल हो, लोहिया अस्पताल हो, लोकबंधु हो, यहाँ पर इन संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और संख्या की बात करें तो करीब 500 की संख्या सरकारी अस्पतालों में प्रतिदिन पहुंच जा रही है। सिविल और बलरामपुर में करीब 200 पेशेंट केस की जो लिस्ट है वो देखने को मिल रही है। हालांकि ऑफिशियल लिस्ट में अब तक केवल 54 केसेज आए हैं, लेकिन निजी अस्पतालों में भी ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसके पीछे कारण है कि राजधानी लखनऊ में बरसात के बीच में जिस तरीके से जल भराव और तमाम गंदगियाँ हैं उसको खत्म करने के लिए कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिल रही है, और लगातार टाइफाइड और डेंगू जो है वो उसका प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और लोग लगातार परेशान हो जा रहे हैं। मौसम के बदलाव के साथ साथ इसमें क्या बचाव के उपाय होने चाहिए उस पर भी कोई राहत देने के लिए जो है निकल करके सामने नहीं आ रहा है। देखना यह है कि इसका आगे कहर अभी कितना और आगे जारी होता है, क्योंकि पिछले साल डेंगू और टाइफाइड, खास करके डेंगू से कई मौतें भी हुई थी। जिस तरह से डेंगू और वायरल फीवर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं उससे लोगों में काफी दहशत फैल रही है। कोरोना की दूसरी लहर में क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं ये हमसे छुपा नहीं है, और अब ऐसे में एक बार फिर से अस्पतालों में मरीजों से फुल होते वार्ड लोगों को डरा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। सप्ताह की सुर्खियों में अगली रिपोर्ट झांसी से है, जहां पर कृषि विभाग साल 2019 से डूब की जमीनों पर मुआवजे की मांग को लेकर किसानों से लगातार मीटिंग कर रहा है, बातचीत कर रहा है। 2 साल बीत जाने के बाद भी अब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला।
लेकिन इसी दौरान एक किसान द्वारा लगाई गई आरटीआई में इस बात की जानकारी हुई कि मीटिंग के नाम पर ये अधिकारी 92 लाख रुपए डकार गए। जी हां, 92 लाख। इन 92 लाख रुपए में 20 लाख का डोसा खाया, 17 लाख का पानी पिया और मुंह मीठा करने के नाम पर 5 लाख की मिठाई भी खाई। लेकिन जिसके साथ ये मीटिंग कर रहे थे, यानी कि हमारे किसान भाई, उनको ना तो डोसा पूछा, ना पानी पूछा, ना तो मिठाई खिलाई। हाँ, उन्हें अगर कुछ मिला तो इन 92 लाख रुपए का डोसा खाने वाले अधिकारियों का आश्वासन ही मिला। मुआवजे से ज्यादा ये अधिकारी चाय पानी कर गए और इस पर अधिकारी सफाई ये दे रहे हैं कि हमने तो भाई साहब 92 लाख का डोसा नहीं खाया, बल्कि उस दुकान का नाम डोसा कॉर्नर है। अब आप ही बताइए कि मीटिंग के नाम पर किसानों के साथ छल करने वाले अधिकारियों के साथ क्या सलूक किया जाए। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। कृषि विभाग का घोटाला, अफसर डकार गए 92 लाख, डोसे मिठाई पानी का बिल 92 लाख, आरटीआई से खुली विभाग की पोल। झांसी के कृषि विभाग ने किसानों के साथ ऐसा खेल खेला जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो। सिर्फ किसानों के साथ मीटिंग में खान पान के खर्चे का बिल 92 लाख बना डाला, जिसमें 17 लाख का तो मिनरल वाटर किसानों को पिलाया, 20 लाख का डोसा खिलाया, 5 लाख की मिठाई खिला डाली। लेकिन किसानों का कहना है कि उन्होंने कभी भी मीटिंग में ना तो डोसा खाया और मिठाई का तो मुंह भी नहीं देखा, और मिनरल वाटर की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये खुलासा हुआ है आरटीआई से, जब किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर विधुआ ने आरटीआई के तहत ये जानकारी मांगी, जिसके मुताबिक साल 2019-20 में उप कृषि निदेशक प्रसार के कार्यालय से 20 लाख का डोसा कानपुर के बाबा अंबे से मंगा कर किसानों को खिलाया गया। दयाराम प्रजापति स्वीट मेकर से 5 लाख की मिठाई खिलाई गई, जबकि हकीकत तो कुछ और ही है। किसानों को मीटिंग में ना तो कभी डोसा मिला और ना ही कभी मिठाई, पूरी सब्जी जरूर खिलाई गई। कृषि विभाग ने 2019 में 3 महीने में जो हमारे यहाँ गोष्ठियाँ होती हैं, गोष्ठियों में 20 लाख का इन्होंने डोसा खिलाया, और वो भी कानपुर से मंगा के, बाबा अम्बी डोसा वाला कानपुर का है, कानपुर से डोसा मंगाया, 17 लाख का यहाँ पानी मंगाया जो बोतलें आती हैं पानी की, 5.5 लाख की मिठाई उन्हीं 3 महीने में खिलाई। ऐसे कुल मिला के 92 लाख का लफड़ा हुआ है, ये 92 लाख का घोटाला हुआ है। जब इनसे हमने आरटीआई के तहत मांगे तो कुछ दिए हैं इन्होंने प्रपत्र, बाकी कुछ ही दे नहीं रहे हैं, 2 साल हो गए हैं। यही नहीं, कृषि विभाग के दफ्तर से 3 प्राइवेट फर्म और 3 एनजीओ को लगभग 92 लाख का भुगतान किया गया, और कागजों पर जो फर्जीवाड़ा किया गया अब वो सामने आ गया है, जिसके बाद कृषि विभाग का घोटाला भी बाहर निकल आया है। वहीं अब कृषि विभाग के उप निदेशक के सिंह जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जहां तक मेरे संज्ञान में है, ये आरोप सही नहीं है। जिसे वो इसमें दे दिया कि इतने का डोसा खिलाया, अगर वो डोसा का उसका बिजनेस है, और भी पूरी सब्जी भी हो सकता है खिलाया हो उसने वहाँ दिया हो, तो अब डोसा को लेकर के डोसा खिलाया, क्योंकि वो डोसा तो उसका वो है अपना, हो सकता है फर्म, उसने फर्म का नाम हो उसका डोसा, तो ये थोड़ी कि डोसा ही खिलाएगा। और पानी का जो लिखा है उसमें कितना लाख का पानी भी सही नहीं है। लेकिन एक बार फिर किसानों के हक पर डाका पड़ा। सरकारी कागजों में 5 लाख की मिठाई, 20 लाख का डोसा, 17 लाख का पानी पिला दिया गया, और जबकि किसानों को तो मीटिंग में कुएं का पानी भी नसीब नहीं हुआ। ऐसे में सवाल ये, इस घोटाले को अंजाम देने वालों पर कार्रवाई आखिर कब होगी। झांसी से एसएस झा की रिपोर्ट, भारत समाचार। इन दिनों लगभग रोज आप भी ये सुन रहे होंगे कि बाढ़ से सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं, सैकड़ों लोग बेघर हो गए और किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं, झोपड़ियों में रहने वाले सड़क पर आ गए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूपी के 17 जिलों के लगभग 1000 से भी ज्यादा गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। कई गांव पानी की चपेट में आकर डूब गए हैं और किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। लोगों का कहना है कि राहत के नाम पर बाढ़ पीड़ितों को कुछ भी नहीं मिला। अब बात यह है कि कटान से बचाव के लिए सरकार ने तो कदम उठाया, लेकिन भ्रष्टाचार बीच में आ गया। अब आप कहेंगे कि ये गोल गोल बातें क्यों,
तो हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। दरअसल हमारे यहाँ भ्रष्टाचार एक रिवाज हो गया है जो हर बड़े छोटे काम से पहले होगा ही। जी हाँ, ऐसा ही बलरामपुर में भी हुआ। अब बलरामपुर में जलस्तर बढ़ने से राप्ती नदी पूरे उफान पर थी, ये तो आपने भी सुना होगा, हमने तस्वीरें भी दिखाई। नदी में कटान लगातार हो रहा था, ऐसे में बाढ़ का खतरा लगातार आसपास के गांव पर मंडरा रहा था। बलरामपुर के मेहरी गांव में बाढ़ कटान को रोकने के लिए सरकार ने 3,10,00,000 रुपए का बजट पास किया था, जिसमें राप्ती नदी के किनारे बोल्डर पिचिंग, जियो बैग और परक्यूपाइन प्रयोग करना था, जिससे कि कटान को कहीं ना कहीं रोका जा सके और गांव को बाढ़ से बचाया जा सके, जिससे आसपास के इलाकों में पानी ना भरे और लोगों के घर जलमग्न ना हो। लेकिन अधिकारी तो अधिकारी, करोड़ों रुपए देखकर किसकी जीप से पानी नहीं टपकता। समझने वाली बात तो ये है, अब इस प्रोजेक्ट के लिए 3,18,00,000 रुपए का अधिकारियों ने जमकर बंदर बांट किया और नदी के किनारे एक भी जियो बैग नहीं मिला। जियो बैग और तमाम चीजों के नाम पर अधिकारियों ने चंद बोरियों में बालू भरकर नदी के किनारे पानी रोकने के लिए लगा दिए और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। अब करोड़ों रुपयों का बंदरबांट भी हो गया और किसी को कानो कान हवा नहीं लगी। जो 3,18,00,000 तबाही से लोगों को बचाने के लिए आए थे, वो देखते देखते उसी पानी में बह गए और दर्जनों गांव पानी में डूबे हुए हैं। इन्हीं पैसों से आपको हम बता दें कि नदी की कटान रोकने के लिए 2 मीटर की गहराई से पिचिंग तटबंध का निर्माण भी कराना था, जिसका निर्माण तक नहीं कराया गया और पैसा हजम कर लिया गया। अब बलरामपुर के मेहरी गांव के हालात ये हैं कि दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और वहां रहने वाले गरीब बेचारे दर दर भटक रहे हैं और सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस मामले में गैसड़ी से बीजेपी विधायक शैलेश कुमार उर्फ शैलू सिंह ने इस भ्रष्टाचार को लेकर जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को संबोधित एक पत्र सीएम योगी को भेजा, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन हाँ, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बलरामपुर में बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का हवाई जहाज से सर्वे जरूर कर लिया, लेकिन करोड़ों के घोटाले पर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते रहे। खैर, एक रिपोर्ट देखिए। बलरामपुर में भ्रष्टाचार की कहानी, तबाही से बचाने में बड़ी नाकामी, करोड़ों के रुपयों का जमकर बंदरबांट, न कराया काम न ही रुकी कटान। बाढ़, बारिश, तबाही और कटान से जहां लोग परेशान हैं, वहीं भ्रष्ट अधिकारी उसके राहत के लिए आए रुपयों का भी जमकर बंदरबांट कर रहे हैं। बलरामपुर के मेहरी गांव में बाढ़ कटान रोकने के लिए 3,18,00,000 रुपए का बंदर बांट किया गया। मेहरी गांव को कटान से बचाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। बरसात से पहले बोल्डर पिचिंग, जियो बैग, इसी बैग और पॉर्क्यूपाइन प्रयोग करना था। नदी की कटान से रोकने के लिए किसी का प्रयोग नहीं किया गया। इस वक्त मैं मेहरी गाँव में खड़ा हूँ, जहाँ का बजट 3,18,00,000 रूपए था और बारिश से पहले इसी पैक, जियो पैक और बोल्डर लगा करके इस कटान को रोकना था, लेकिन बाढ़ खंड के अधिकारी और जिले प्रशासन के अधिकारी, मैं दिखाना चाहता हूँ, चंद बोरियों में मिट्टी बालू डाल करके और इसको कच्ची काम करके और इस कटान को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही राप्ती नदी उफान पे आई, ये 3,18,00,000 रुपए का जो प्रोजेक्ट था, बताते हैं अधिकारी, ये राप्ती नदी 3,18,00,000 का जो 70% बजट था उसको बहा ले गई। बारिश से पहले नदी की कटान रोकने के लिए 2 मीटर की गहराई से पिचिंग तटबंध का निर्माण करना था, लेकिन कार्य नहीं किया गया। तटबंध को खोदकर चंद बोरियों में बालू भरकर अधिकारियों ने तटबंध बनाने का दावा कर दिया, जिसके बाद राप्ती नदी की तेज धारा में 3,18,00,000 बह गए। दर्जनों गांव को राप्ती नदी ने अपनी चपेट में ले लिया और किसानों की लाखों की फसल बर्बाद हो गई। ये जो प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये 3,18,00,000 का बजट आया था हमारे यहाँ बोल्डर लगने का, लेकिन इतना बड़ा माफिया ठेकेदार को ठेका दे दिया गया कि उसने
30% 35% काम करके और सब मिट्टी ये दिए, देख लीजिए सब पूरा दो दो पाँच पाँच किलो बोरी में मिट्टी डाला हुआ है। दिस वेदर रिपोर्ट इज ब्रॉट टू यू बाय पेश है अलाइव ब्यूटी सोप।